नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलोत्पल और आप देख रहे हैं टेक इजी हिंदी। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है या आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो, कभी ना कभी आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का जरूरत पड़ता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताऊंगा 5 ऐसा फ्री टूल जहाँ पे आप आसानी से आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, और वहाँ पे कोई वाटर मार्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टूल है फ्री स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर। दोस्तों, ये डीवीडी वीडियो शॉप की तरफ से ये एक फ्री स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर है। यह आप विंडोज मशीन के ऊपर आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करने के बाद इस तरह आपको एक छोटा सा विंडो देखने को मिल जाएगा, और इसके हेल्प से आप आसानी से आपका डेस्कटॉप का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ऑडियो भी आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के हेल्प से आप आसानी से MP4 फाइल कर सकते हैं, और आपका डेस्कटॉप का स्नैपशॉट आप ले सकते हैं और उसको आप BMP, JPG, GIF, TIFF के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपका फ्री स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर काम में ले सकते हैं। सेकेंड वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, वो है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। और इस आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर में आप आसानी से आपका डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ उसका ऑडियो भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के समय एनोटेट कर सकते हैं और वेबकैम की मदद से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप किसी भी कस्टम एरिया को भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर फ्री टूल के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी ऑप्शन आपको डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग करने के समय मिल जाता है। जो तीसरा सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, वो है पावरशॉफ्ट फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर। ये भी काफ़ी अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डर है। इस पे आपका छोटा सा एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डर है, और यहाँ पे आप आसानी से डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होता है। रिकॉर्डिंग करने के समय आपका वेबकैम की हेल्प भी ले सकते हैं। आपका वेबकैम का भी वीडियो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के समय आप एनोटेशन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक टीचर हैं, उस ऑप्शन भी इस फ्री ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग करने के बाद इसका जो वीडियो फाइल है, इसको आप मल्टीपल फॉर्मेट पे भी सेव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये भी एक काफ़ी पावरफुल डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। इसका मोस्ट पावरफुल फीचर है, इसको आप विंडोज़ या मैक के ऊपर भी इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। चौथा फ्री डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, वो है कैम स्टूडियो। ये भी काफ़ी पॉपुलर एक डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। इसके हेल्प से आप आसानी से आपका डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी वाटर मार्क इस रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ और आप एक साथ में ऑडियो को भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नंबर वन में जो सॉफ्टवेयर आता है, वो है OBS स्टूडियो। सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से। अगर आप एक गेमर है और आप गेम को रिकॉर्डिंग करने के बाद आप YouTube में पब्लिश करना चाहते हैं, तो OBS स्टूडियो एक अच्छी सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से। क्योंकि इस OBS स्टूडियो एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप गेम को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं और उसको आप एडिट करके ऑनलाइन में यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं। OBS स्टूडियो के ऊपर काफी सारे कंट्रोल आपको मिल जाता है। अगर आप यूट्यूब में स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या गेम खेलना चाहते हैं, OBS स्टूडियो का हेल्प से आप आसानी से आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑडियो भी काफी बढ़िया कैप्चर होता है। आपका ऑडियो के ऊपर काफी इफेक्ट आप डाल सकते हैं, जिसके मदद से आपका ऑडियो क्लियर हो सकते हैं और ऑडियो का क्वालिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से OBS स्टूडियो एक काफ़ी अच्छा फ्री डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके मदद से आप डेस्कटॉप भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा इस तरह नया वीडियो में।